शाने गरीबा के सन्नाटे में बेकस इमाम पेशानी खाक पर रखे हुए आवाज दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह उबूदियतन व रिक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह शुक्रन शुक्रा शुक्रन शुक्रा। अजीजों पढ़ना भी आसान है, सुनना भी आसान है। अब मैंने पढ़ा आपसे सुन लिया, लेकिन जरा गौर कीजिए, बाप का कटा हुआ था लोगे नेजा पर और दवा का शुक्र लगी, बहनों सब बहनों टुपियों के सरों से चादरें चिन जाए, जबान पर शुक्र खुदा ये तीन बच्चों के मुंह पे तमाचों के निशान, जबान पर शुक्र खुदा पालने वाले तेरा शुक्र है, पालने वाले तेरा शुक्र है। अरे वो मजलूम लायदे गिरिया क्यों ना हो, जिसे बाप के लाशें करीब नहीं जाने दिया गया, कि आर्मी मुहर्रम को सारी बीवियां मक्तले हुसैन में पहुंची है, अपने को नाकों से गिरा दिया, लेकिन हाय मेरा बेकस इमाम, तो उस सलासिल में झगड़ा हुआ इमाम, मेरा चौथा इमाम उसने नाता पर था, बाप का लाशा में गोरो कफन जमीन पर था, सारी जहरा तसल्ली दे रही थी, वजह क्या थी, जालिमों ने इमाम को नाके की पुश्त से बांध दिया था, रस्सियों से जकड़ दिया था, बेटा पुश्त नाता पर था, बाप का लाशा में गोरो कफन पड़ा था, जनाजा देखा मैयत देखी, बाप का बहमाल लाशा देखा, सब्त का यारा न रहा, रूह निकली जा रही थी, सानिये जहरा की लाशा दे रही थी, घबराओ नहीं बेटा मैं क्या हाल देख रही हूँ, मेरे लाल मैं क्या हाल देख रही हूँ, फरमाते थे वो भी अम्मा देखा अपने मरूनों ने अपने नतीजों को दफन कर दिया, अरे मेरे बाबा का लाशा जमीन पर मिला मर पड़ा हुआ है, फरमाया मेरे लाल का बना